द टेस्ट मैच इज ओवर, अब फाइनली है वर्ल्ड कप फाइनल का टाइम। बड़ी मुश्किल से जो है टिकट हो पाई और सारा श्रेय सुदर्शन भाई की वजह से टिकट हो पाई है 255 की। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन भाई, आप नहीं होते तो शायद मैं जो मेरा एक सपना टाइप बन गया था कि मुझे फाइनल देखना है वर्ल्ड कप फाइनल, तो वो नहीं पहुंच पाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, तो सुदर्शन भाई आए हैं हिंदू से और ज़बरदस्त, हम सभी जानते हैं और एक ट्रेडिशन है कि कोई भी टेस्ट मैच नहीं मिस करती जो है हिंदू की कवरेज। तो आप यहाँ पर हैं और ओवरऑल भी डोमेस्टिक हो चाहे कोई भी गेम हो, लगातार कवरेज रहती है, तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, सब लोग अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक को हर कोई उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा होता है। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट एंड वेरी हैप्पी दैट मनोज इज गोइंग टू ढाका। Yes, sure. और ये हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है हमारा। खाना वेज खाना आप देख रहे हैं, अभी भी कुछ आप देख सकते हैं, अभी जस्ट किया है लंच और भाई लोग ने पूरी मतलब बड़े भाई की तरह प्यार दिया हम लोगों को। और ये हमें मिस करेंगे, हम लोग इन्हें मिस करेंगे। ये भैया हैं यहाँ पर, ये भी भैया हैं, इन सब ने जो है पूरा ख्याल रखा जब तक चिटागांव में थे, पूरे के पूरे DCB की तरफ से यहाँ पर है। और लंच वगैरह हो, स्नैक्स वगैरह हो, और हम क्योंकि वेजिटेरियन हैं, मैं और सुदर्शन भाई दोनों के दोनों, तो हमारे लिए थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट और पूरा दिल लगा के जो है इन लोगों ने हमारे लिए प्यार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो आप लोगों को हम भी मिस करेंगे, उम्मीद है कि दोबारा आएंगे तो आप सब लोगों से मिलेंगे। तो सर लोग लंच कर रहे भी यहाँ पर, आप लोग में से आप तो आओगे ढाका में, है ना सर? आज जिता रहे हो ना? फिर मैं जा रहा हूँ ढाका यूनिवर्सिटी, अर्जेंटीना वामोस, अर्जेंटीना वामोस, मेसी मेसी। ओके सर, सी यू इन ढाका। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार खाने का भी आपको इंतजाम दिखा देता हूँ। अब ये सब लोग भाई अपने मैं खाना खा रहे हैं, खाइए खाइए। चलिए हमें तो निकलने का वक्त हो गया है। तो भाई पहुंच गए अब एयरपोर्ट। अभी देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑटो का CNG का ऐसा कुछ रहता है। ठीक देता मैं तो इनसे वही भाड़े की बात कर रहे हैं, तो भाड़ा पहले देता हूँ। बैग मैं अपना निकाल लूँ, इसको सेट करता हूँ यहाँ पे। उधर से शॉप से लेकर आऊं, खुले करवाने पड़ेंगे। एयरपोर्ट तो पहुंच गया हूं, ये देखिए अब आगे का देखना है कैसे होगा। पहले ये सब निपटाता हूं, अंदर हो जाए एक बारी चेक इन, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनल के लिए ढाका यूनिवर्सिटी जाना है। यहाँ पर अब थोड़ा सा मुझे मामा का इंतजार करना है, मामा से भी यहाँ मिलाएंगे। ये शाकिब भाई हैं यहाँ के सोशल मीडिया किंग, आंध्र प्रदेश के सोशल मीडिया किंग हैं ये शाकिब भाई हमारे। ज़बरदस्त इनका यूट्यूब पर चैनल है और ख़तरनाक कंटेंट बनाते हैं। अब इस बस से हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, देन फिर उसके बाद मामा का भी, और फिर चलते हैं ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से पहुंचे। खैर बाय द वे 2 घंटे ट्रैफिक जाम में, और आप देख रहे हो इतनी भीड़ है तो जाम तो नहीं है।
तो ये भाई देख लो ढाका यूनिवर्सिटी का हाल, अभी लोग ही लोग जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पर आपको अर्जेंटीना के फ्लैग, ये देखो किस तरीके का माहौल है। टू नील अप हाफ टाइम पर आपको विजुअल्स भी कुछ कुछ जो दिखे वो सारे जो हमने कैप्चर करे वो आपके लिए भी लाए, और बहुत ही ज़्यादा पागलपन, बहुत ही ज़्यादा भीड़, इतने पीछे की साइड आए हैं यहाँ से जहाँ से मतलब एक दूसरा हिस्सा दिख रहा है, वहाँ तो आपने भी देखा ही क्या कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं बताया था आपको, और आप देखो अब सबकी सांसें जो हैं थम गई हैं भाई लोग, थम गई। Stop! Oh.
तो आज जब चिटागोंग से निकल रहे थे, एक भाई ने पूछा था कि भैया ये दो स्टार हैं, तीसरा स्टार आज लग जाएगा ना? तो बिल्कुल जी, तीसरा स्टार लग चुका है, फाइनल मुकाबला खत्म भी हो चुका है। और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था यार ढाका यूनिवर्सिटी में, जो मुझे उम्मीद थी कुछ वैसा ही निकला। और क्या फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ पर अर्जेंटीना की और मेसी की, और ढाका यूनिवर्सिटी का माहौल यार, अब तो जब वर्ल्ड कप होगा कभी अगर आप हों बांग्लादेश में तो ये मिस मत करना, चाहे फाइनल मुकाबला ना हो अर्जेंटीना का कोई भी मैच, आपको इसी तरीके का माहौल वहाँ पर मिलेगा। और एम्बाप्पे की तारीफ है, मार्टिनेज की तारीफ है, और उसके मैच के बाद बड़ा वो भावुक भी थे। तो मार्टिनेज मैसी को जो मानते हैं, तो उनके लिए उन्होंने वो चीज़ पूरी भी कर दी कि मैसी को जो है वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। सारी चीज़ें थी यार मैसी के पास, कोपा अमेरिका भी वो जीत गए थे और अब जो है वो वर्ल्ड कप विनर भी हैं। तो ज़बरदस्त चीज़ें हो गई। अब देखिए, याद करिए वो वक्त जब कोपा में मैसी पेनल्टी मिस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट अच्छा किया उन्होंने कि वो वापस आए और अब वर्ल्ड कप विनर होकर वो रिटायर हो रहे हैं। और आई होप आपने इंजॉय करा हो ये पूरा का पूरा, यहाँ के लोगों का पैशन, यहाँ के लोगों का जो है सपोर्ट अर्जेंटीना के लिए ज़बरदस्त है। और ढाका यूनिवर्सिटी की याद मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। और साथ ही साथ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो, कोई फीडबैक हो तो वो हम तक पहुँचाना है। और साथ ही साथ जो है sportsaddy.com जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल रही, तो वो भी आपको ट्रैक करना है। सिनेमा 20 को भी सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और ये दो स्टार वाली जर्सी है, ये भी यादगार जर्सी होगी। अब तीसरा स्टार जब लगेगा तो वो जर्सी भी आपके साथ कभी पहन कर आएंगे। अभी लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।